हम आज बात कर रहे हैं सावन महीने के पवित्र शिवरात्रि की। सबसे पहले ये जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः इसको चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा ये भी मानते हैं कि शिवरात्रि पर भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। शिवरात्रि पर व्रत उपवास रखना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करना, रात में जग करके भगवान शिव की पूजा उपासना साधना तपस्या करना बहुत बेहतर होता है। महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है। हर महीने में मास शिवरात्रि आती है, लेकिन दो शिवरात्रियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक फाल्गुन की शिवरात्रि, जिसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं, और एक सावन की शिवरात्रि, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन लोग कांवर में जल भरकर लाते हैं, दूर दूर से पवित्र नदियों से जल भर करके लाते हैं और पवित्र शिवलिंगों पर या जो शिवलिंग उनके घर के आसपास है उस पर जल अर्पित करते हैं। इस बार सावन की शिवरात्रि का जो संयोग है वो 2 अगस्त को बन रहा है। लाखों करोड़ों भगवान शिव के भक्त पवित्र नदियों से जल ला करके शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। अब ये जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। स्नान करके सुबह के समय या दिन के समय में शिव पूजा का संकल्प लेंगे, भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे, इसके बाद पंचोपचार पूजन करेंगे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और वस्त्र या केवल जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे और भगवान शिव के मंत्रों का जप करेंगे। शिवरात्रि पर रात की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो शिवरात्रि पर रात को पूजा जरूर करिएगा। रात को शिव जी के मंत्रों का जप करिए। इसके अलावा रुद्राष्टक का पाठ करें या शिव स्तुति का पाठ करें। अगर 4 पहर की पूजा करते हैं, संध्या से पहला पहर शुरू होता है, अगर 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे पहर में भगवान शिव की पूजा शहद से करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करिएगा। तो सावन की शिवरात्रि पर आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाएं,
लेकिन मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान शिव की पूजा जरूर करें, अधिक से अधिक उनके मंत्रों का जप करें, आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।